बात से विकास की नई पहल। अनुसूचित जमाती की महिला उम्मीदवार आशा अमित दलाल। राष्ट्रीय स्तर पर रेलवे सुरक्षा बल की ओर से संयुक्त रूप से अभियान चलाकर ट्रेनों की गहनता से जांच की जा रही है। अभियान नारकोस के तहत वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त पंकज चुग, सहायक सुरक्षा आयुक्त एसडी देशपांडे के मार्गदर्शन में गोंदिया रेसुप के प्रभारी निरीक्षक वीके तिवारी के नेतृत्व में गोंदिया में यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 3 जुलाई को रेसुप गोंदिया के ट्रेन स्काउटिंग पार्टी के उप निरीक्षक सीकेपी टेम्बुर्निकर, स्टाफ मंडल टास्क टीम के निरीक्षक सतीश कुमार एवं अनिल पाटिल द्वारा अभियान चलाया गया। इस दौरान गाड़ी संख्या 22974 पूरी गांधीधाम एक्सप्रेस के जांच में कोच क्रमांक D2 में एक ग्रे रंग का पिट्टू बैग जो लावारिस हालत में पाया गया, जिसकी जांच करने पर तीव्र गंध वाला गांजा जैसा मादक पदार्थ होना निश्चित किया गया। इसका कुल वजन 5.540 किलोग्राम होकर कीमत 55,540 है। लावारिस रूप से पड़े बैग से पाए गए गांजे को GRP गोंदिया के सुपुर्द किया गया है, जहां अज्ञातों के खिलाफ धारा 8 NDPS के तहत मामला दर्ज किया गया है।